हेलो प्यारे प्यारे व्यूज, तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी व्रत में खाने वाली ये रेसिपी है। हम इसे व्रत में खा सकते हैं, नवरात्रि व्रत में, शिवरात्रि व्रत में, एकादशी व्रत में, या फिर किसी भी व्रत में हम इस रेसिपी को खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं एक कटोरी समा के चावल, सामक के बोलते हैं ना, सामक लिया है एक कटोरी। देखिए इस तरह के बारीक बारीक चावल होते हैं, आप देख सकते हैं सरसों के दाने जैसे बिल्कुल बारीक बारीक के दाने होते हैं। तो हम इसे एक बार साफ कर लेते हैं, इसमें कंकड़ वगैरह ना हो तो अच्छे से साफ कर लेंगे और हम इसे 2 से 3 बार धो के फिर यूज करेंगे। अब लिया है एक खाली टोपिया और इसके अंदर ले रही हूँ मैं 2 लीटर दूध ले रही हूँ। मैंने करीब 100 ग्राम लिए हैं चावल, सामक वाले चावल हैं जो 100 से 125 ग्राम लिए हैं और इसमें मैं 2 लीटर दूध ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 500 ग्राम का एक नेप है, तो इससे मैंने 4 नेप पे दूध ले लिया है। तो हम इसमें पानी वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं 200 से 250 ग्राम। तो हम इसे एक बार गर्म होने तक पका लेते हैं, तब तक हम चावल धो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चावलों को इस तरह से रगड़ रगड़ के धोएंगे हम, अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से धोएंगे। आप देख सकते हैं ये पानी देखिए कितना गंदा हो गया है, तो इसे निकाल देंगे और फिर दोबारा से ले लेंगे। तो 2 से 3 बार मैं इसे धो के लेकर आती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे धो लिया है, करीब 3 बार धोया है और दूध भी गर्म हो चुका है। तो दूध गर्म होने के बाद में देखिए इसमें मलाई सी आने लगी है और अब इसमें ये चावल डाल देते हैं। तो ये सभी चावल को मैंने डाल दिया है, एक बार इसे हिला लेते हैं अच्छे से ताकि तले वगैरह में लगे ना। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे होगा ये जब भी मैं भविष्य में वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव शेयर ज़रूर करना। तो आप देख सकते हैं दूध बॉयल होने लगा है और दूध को करीब हमें 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल करना है इस तरह से, ताकि चावल अच्छे से पक जाएं और अच्छे से जो खीर है वो अच्छे से घुटी घुटी बने। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है, हम इसे अभी इस तरह से खुला ही छोड़ देंगे। अगर हम इसे ढकेंगे तो ये दूध है जो निकल जाएगा। तब तक कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने काजू लिए हैं और इनको इस तरह के लंबे पीसेस में कट किया है, मैंने एक काजू के 2 टुकड़े किए इस तरह के लंबे लंबे पीसेस में। और ये कुछ ले लेते हैं बादाम और कुछ ली है मैंने किशमिश, किशमिश को कट करेंगे। मैंने काजू और बादाम को तो कट कर लिया था लेकिन किशमिश को कट नहीं किया, तो इस तरह से हम इसके 2-2 टुकड़े कर देते हैं क्योंकि जो किशमिश है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लंबी किशमिश हैं तो हम इसे कट कर लेते हैं। आप इसकी जगह कोई और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, और आपको जो इनमें से कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध को बॉयल होते हुए करीब 10 मिनट हो चुकी हैं। तो 10 मिनट के बाद में ये देखिए धागे वाली मिश्री डाल रही हूँ, ये हेल्दी ऑप्शन है, आप चाहें तो इसकी जगह चीनी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाली है मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है वो डाली है, और काजू ले लिए, बादाम डाल दिए हैं और किशमिश डाल दी हैं। आप इन ड्राई फ्रूट को चाहें तो फ्राई करके फिर डाल सकते हैं, मैंने कच्चे ही डाले हैं। और करीब करीब अभी इसे मैं बॉईल करूँगी क्योंकि अभी ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा है, मेरे से थोड़ा सा निकल गया था। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें मिश्री की डली है, करीब 1 ही मिनट भी नहीं हुई है और 4 मिनट करीब और पकाने वाली हूँ इसे मैं। 4 मिनट में मिश्री की डली अच्छे से पक जाएगी, मैं आपको फिर बाद में चेक कराने वाली हूँ एक बार फिर से।
तो अच्छे से वो हिला रहा है। आप देख सकते हैं खीर बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बन के तैयार हुई है। और पानी नहीं डालेंगे ना, खीर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अलग आएगा, बहुत ही क्रीमी आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब खीर बनाएं तो उसमें पानी ना डालें, दूध में पानी ना डालें, बगैर पानी के ही बनाएं। और मैंने ये गाय का दूध लिया है, आप चाहे इसकी जगह कोई भी दूध ले सकते हैं जो आप डेली यूज में यूज करते हो, आप वही दूध ले सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और मिश्री देखी बिल्कुल घुल चुकी है, इसके अंदर मिश्री नहीं बची। अगर आप थोड़ा लेट मिश्री डाल रहे हो तो आप उसको तोड़ के डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने खीर को परोस लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं। बिल्कुल बारीक कट करके लिया है मैंने बादाम को। आप इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट ले लीजिए जो आपको पसंद है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।